आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरी बहुत 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 अच्छी दोस्त मृणाल की मूवी रिलीज हो रही है एंड दिस इज हर डेब्यू फिल्म. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर हर. ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा. इट्स वेरी इंट्रीगिंग. यू नो दिस इज वन टॉपिक जिसके ऊपर आप जितनी बार उस कहानी को दर्शाएंगे या जितनी बार उस टॉपिक को छेड़ेंगे उतना ही अच्छा है बिकॉज ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए. एंड ट्रेलर वाइज मुझे मृणाल का काम बहुत अच्छा लगा. ओवरऑल एवरीवन, रिचा, रिया, फ्रीदा पिंटो, राजकुमार, एवरीवन, आई मीन पूरी मूवी ट्रेलर वाइज एवरीथिंग लुक्स फैबुलस. तो क्या सोच बदलेगी लोगों की इस मूवी के बाद? ऑफ कोर्स बदलेगी. यू नो कोई भी चीज़, कोई भी आंदोलन एक दिन या एक घंटे में नहीं आता है. आई थिंक किसी भी बदलाव को आने में बहुत टाइम लगता है. सो या विथ एवरी सच मूवी इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. आई फील एब्सोल्यूटली अमेजिंग. आई थिंक ये चीज़ सिर्फ आज से नहीं होती आ रही, ये चीज़ सालों से होती आ रही है. आज हमारी टेलीविजन, आज हमारे बॉलीवुड में ही कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो सब टेलीविज़न से ही आए. चाहे आप अनुपम खेर जी की बात करें या आप आलोक नाथ जी की बात करें, चाहे शाहरुख खान की बात करें, आई थिंक ही इज़ द बिगेस्ट स्टार दैट हैज़ कम फ्रॉम टेलीविज़न. चाहे सुशांत सिंह राजपूत की. सो इट्स नथिंग न्यू. इट्स जस्ट अब जाके लोगों को रियलाइज़ होता है दैट टेलीविज़न स्टार्स आर ऑल्सो रियली गुड एक्टर्स. यस. ऐसा ही कुछ समझ लीजिए. ऑफ कोर्स या कुछ बताना चाहिए मतलब क्या है मतलब अब फोटोशूट फिलहाल नहीं हुआ है. फिलहाल आई एम गोइंग टू नॉट टॉक अबाउट इट मच बट आई एम डूइंग अ शो वेरी सून जिसमें आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग एन ATS officer, anti-terrorist squad ki officer. Other than that, I can't say much about it. Okay, iske alawa mam do show aane wali hai jo TV mein dekha to most awaited show hum bol sakte hain. Big Boss uske baad mein Kasauti Zindagi ki. Yes. Excited kis show ke liye sabse zyada? Main to dono shows ke liye because I'm a very very big follower of Big Boss. Mujhe dekhna bahut acha lagta hai. Also Kasauti Zindagi ki ek aisa show hai jo iconic show hai jo main choti thi tab dekhti thi and I'm really excited to see how they have revamped it. I'm sure she's a very good actor and I think she's on a quest of discovering herself. I don't see a reason why she won't do justice. I have absolutely no idea Big Boss mein kaun ja raha hai, so I can't say much. मैं फैंस को ये कहना चाहूँगी कि आई हैव समथिंग वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू गाइस. आई विल अनाउंस इट वेरी सून. थैंक्स. मैं वही कह रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी. मैं फिल्म पहले ही देख चुकी हूँ तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ आई हूँ क्योंकि सबकी दोबारा सपोर्ट करना चाहती हूँ. फिल्म जब रेडी हुई थी तो फर्स्ट स्क्रीनिंग आई हैव सीन इट. तो क्योंकि शी इज़ लाइक अ डॉटर ओनली, शी इज़ माई डॉटर. और बुलबुल से लेकर सोनिया तक का जो सफ़र है, सो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. सो आई नो कितनी मेहनत है इसके पीछे, कितना जज्बा है इसके पीछे, कितना सब कुछ इसके पीछे है तो ये सामने आई है. तो बहुत खुशी है कि आई एम सीइंग दिस डे एंड सच ब्यूटीफुल फिल्म जिसका मैसेज इतना स्ट्रांग है. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सिनेमा का ये रूप आज सबको देखने को मिलेगा. मूवी के बारे में बता सकते हैं कि आपने मूवी देखी है? मैं यही बताऊंगी कि जब फिल्म मैंने पूरी देख ली थी तो जो तबरेज़ हैं उन्होंने, जो डायरेक्टर, उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ डिड यू लाइक द फिल्म. तो मैं, मेरे एक्चुअली तो आंखों में आंसू थे तो आई टोल्ड हिम वेरी डिस्टर्बिंग एंड देन आई जस्ट डिडंट नो. आई सेड इट्स टेकिंग टाइम टू सिंक इन और मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी. और मुझे लगता है कि सिनेमा का काम है कि वो आपको डिस्टर्ब करे, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर हिलाए. तो उसका मुद्दा नहीं तो हम जो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तो दिमाग घर पे ही रखते हैं, लेकिन जिस फिल्म में इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज हो इट शुड डिस्टर्ब यू एंड इट डिड डिस्टर्ब मी. सो परफॉर्मेंसेज तो इतने अच्छे एक्टर्स हैं और मृणाल हैज़ बीन सच अ गुड एक्टर. उन सब अच्छे एक्टर्स के साथ उनकी एनर्जी एंड द प्रिपरेशन शी इज़ डन,
इट्स अ वंडरफुल फिल्म, इट्स अ वंडरफुल फिल्म. शो काफी अच्छा कर रहा है, फैंस के लिए कहना चाहेंगे शो के लिए? शो के लिए, ये फिल्म के लिए? शो के लिए. अरे शो तो मतलब बालाजी एकता मैजिक है, तो पहले कुमकुम फिर कुंडली, गॉड हैज बीन गुड एंड ग्रेट. और अच्छा लगता है, छोटी बेटी यहाँ है, बड़ी बेटी कुमकुम कर रही है, शी इज ऑल्सो कमिंग. सो वी आर ऑल हेयर एक्चुअली एज अ फैमिली टू सपोर्ट हर because we love her. She's been our baby. She was 21 when she started working with us in Kumkum and she's my jaan. So bahut acha lag raha hai ki wo is muqam tak pahunchi hai. Thank you God. Thank you. भाई देखिए, मेरी दोस्त, मेरी बहुत ही करीबी दोस्त ने एक इतना बड़ा लीप लिया है, एक इतनी पावरफुल फिल्म के साथ, उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे आए हैं अभी तक कि हम सब इतने उत्सुक हैं उसे देखने के लिए. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मृणाल एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और एक बहुत ही प्यारी दोस्त है मेरी. सो आई विश हर ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई हार्ट एंड शी इज़ डूइंग नॉट वन फिल्म, क्वाइट अ फ्यू फिल्म इफ यू ऑल नो, राइट? यह ट्रेलर बहुत ही हार्ड हिटिंग था यार. आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में और पूरी दुनिया में बहुत होता है, वही मुझे ट्रेलर से समझ आया. सो आई थिंक इट्स गुड टू ब्रिंग लाइट टू सच अ सब्जेक्ट एंड मृणाल को चूज़ किया गया था 3000 एक्ट्रेसेस में से. सो आई थिंक इट्स अ जॉब वेल डन एंड आई एम श्योर शी इज़ क्रैक्टेड इन इट. यार आई थिंक सोच बदलनी चाहिए, खासकर हमारे देश में जहाँ पे लड़कियों को अक्सर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरना पड़ता है. इट्स वेरी सैड, वी आर इन द 21st सेंचुरी एंड आई थिंक इस फिल्म के थ्रू अगर कुछ हो सकता है, आई होप हमारी जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो छोटी उम्र की हो, बड़ी उम्र की हो, मे दे गेट प्रोटेक्टेड, मे दे स्टे सेफ इन आर कंट्री एंड इट इज़ आर जॉब टू मेक श्योर दैट दे आर सेफ. मैं कसौटी जिंदगी के एकता कपूर, आई एम अ लॉयल एकता कपूर फैन एंड आई थिंक एकता कपूर जब भी कुछ करती है तो बहुत ही बढ़िया करती है. ऑलराइट, थैंक यू. थैंक यू सर. लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए. ओके, ऑलराइट. Yeah, I'm very excited because Mrinal is a friend and Mrinal, we've been hearing such good things about the film even before the world has actually seen the film. So I'm all excited and I hope it's a great, great one. It's great for all of us, yeah. You like the trailer? I love the trailer, man. And you know the best thing about something like this is that the buzz is there. Bahut buzz hai film ka. And I'm sure the audiences will come and love the film. A lot of friends of mine who've seen the film already have been raving about the film. So I hope it's a really, really nice film. She also went to her debut with Hrithik Roshan. Yeah. What do you want to say regarding how she's now growing day by day? She's a rock star now, yeah. She's growing day by day and it's so good because, you know, you keep doing good work and I think good and creative work gets you more work and I think that's what she's setting an example and we're all happy that she's doing very, very well. Okay, Big Boss is coming. How much excitement? Will you go as a Jodi, as a Hrithik, and because you're the best friend, both of you? Yaar, pata nahi bhai. Matlab, I hardly watch it, yaar. Matlab, I don't. I've seen the earlier seasons. I haven't seen like for a long, long time the show. So, matlab, you know, to each his own. मैं बोलने वाला कोई नहीं हूँ. कोई भी आए, पता नहीं यार कौन आने वाला है. एंड आई डोंट नो ऋत्विक इज गोइंग और नॉट. आई डोंट थिंक सो इज गोइंग. ही इज वर्किंग ऑन IGT मैन. थैंक्स अलॉट मैन. थैंक यू. About the film and it was a very, very proud moment for me. K
क्योंकि मुझे इस फिल्म के बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मृणाल ने मुझे बहुत बहुत कुछ बताया है अबाउट द फिल्म और आई नो सो मच अबाउट द स्टोरी. हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया था उनका एक्सपीरियंस कैसा था और हाउ इट वॉज फॉर हर. रिचा आई नो वेरी वेल and my friend Shahid, he's been designing for years and ye film ke sath jude hue hain. He's the costume designer of the film. So main at three levels you know film ko janti hu aur how what an experience it was for all of them. So I'm really really excited to be here for Richa, for him and for Mrunal. Trailer kitna pasand aaya? Trailer bahut bahut pasand aaya. It was really really heartbreaking and heart-wrenching. और क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता है अबाउट द स्टोरी और मुझे पता है अबाउट द रियलिटी ऑफ ऑल ऑफ दिस. इट वाज रियली पावरफुल एंड थोड़ी डिस्टर्बिंग है फिल्म, बट इट्स अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड. इट्स अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी सेड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज. फैंस के लिए लॉट्स ऑफ लव. आप क्या कहना चाहेंगे? गणपति आ रहा है, इंजॉय कीजिए, खाइए पिए. दिवाली आएगी उसके बाद, बेसिकली अब फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, तो अच्छी तरह वर्कआउट करिए ताकि आप अच्छी तरह खा पी सकें और इंजॉय कर सकें. थैंक यू. द कॉन्सेप्ट फॉर दैट मैटर, इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में फिल्म बननी बहुत ज़रूरी थी. इनफैक्ट दिस इज़ वन वे ऑफ डीलिंग विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड यू नो पुटिंग इट इन द मीडिया. पीपल रियलाइज इट एंड some people will get awakened to the whole scenario as well and react to it in the right way. Yes. Yeah. I think that's fantastic. Yeah. I think today anybody is deserving to be out there, you know. Be it television, be it any medium. There's so much that you can look forward to. That's amazing. Thank you. Most welcome. Thank you.
हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं एंड हम बहुत वी आर वेरी प्राउड ऑफ मृणाल एंड वी ऑलवेज नोन दैट शी इज अ ग्रेट एक्टर एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच द मूवी. सारा काम छोड़ के आए हैं उसके लिए, वो शूटिंग छोड़ के आया. मुझे कोई काम नहीं था, मैं वेली थी. हाँ, ये आपको पता ही है कितनी वेली है ना. कितना पसंद आया आपको? बहुत अच्छा. इट्स वेरी मूविंग, इट्स डिस्टर्बिंग, बट कुछ मूवीज डिस्टर्ब करती है तो we like watching these movies. Okay, how do you see the Mrunal doing a very well now? She's doing 2 for 30 with Hrithik also. How do you see the like? We are very, very, very proud of her. And we hope she does even better as she goes ahead. Uski ek aur film bhi aa rahi hai jaldi. Haan, wohi wo bol raha hai. Haan, super 30. Super 30. And how do you see the Balaji coming with new show, but sort of with a lot of work. Oh, it's creating for nostalgic. Utri to movies ki promotion nahi hoti hai, but jo ki hui hai uski promotion ekta yaar, you are very smart yaar. It's beautiful. Just as Nika, it's very nostalgic and it's huge. I think it's the hugest promotion that has happened ever. At least since the time I've been here, itna bada promotion kisi aur show ke liye nahi hua. Exactly. And it deserves it, I guess. Itna nostalgia, itni excitement hai. And just the tune itself gets back so many memories. Bachpan se sunte aa rahe hain. It's a very it's a performance oriented role and whoever is doing it will do a great job at it and we're all very excited to watch Love Sonia right now. You know ek jo ladki hai na yahan par ye jo beech mein Mrunal hai uska naam aur ye जिस तरह से उसकी बिगनिंग रही है और जिस तरह से उसकी जर्नी रही है, इट इज़ सो इंस्पिरेशनल एंड इट इज़ सो माइंड बॉगलिंग दैट आई कांट इवन टेल यू हाउ प्राउड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज़ जिसकी भी लाइफ मृणाल ने टच करी है. शी इज़ विद सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर्स ऑफ आर कंट्री एंड शी इज़ ऑन सच एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म. इज़ जस्ट सो सो ब्यूटिफुल टू सी हर डूइंग सो वेल एंड वी आर ऑल हियर टू नॉट जस्ट इंकरेज हर बिकॉज यू वॉन्ट टू वॉच द फिल्म बिकॉज सच अ ब्यूटिफुल फिल्म. ट्रेलर देखा होगा आप लोगों ने, हार्ट रेंचिंग है. एवरी सिंगल सिंगल विजुअल ऑफ इट जस्ट गेट्स यू टू वॉन्ट वॉच इट. क्या लोगों की सोच बदलेगी मूवी के आने के बाद? यार लोगों को मालूम है कि ये गलत है, लोगों को मालूम है कितनी तकलीफें होती हैं, पर वो देख पाएंगे. द वे द जर्नी हैज़ बीन डिपिक्टेड इन द फिल्म, एटलीस्ट इन द ट्रेलर, आई हैवन्ट येट सीन द फिल्म, आई एम गोइंग टू वॉच द फिल्म नाउ. सो आई एम जस्ट रियली होपिंग दैट पीपल गेट टू सी द हार्ड वर्क दैट ईच एंड एवरी पर्सन हैज पुट ऑन टू द फिल्म एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड. बिग बॉस भी आ रहा है और साथ ही कसौटी जिंदगी की. आप किसके लिए इतना सपोर्ट? बालाजी हैज कमिंग विद न्यू शो एक कसौटी जिंदगी की एंड योर फ्रेंड हीना खान आल्सो डूइंग अ कमालिका रोल. व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग दैट? यार वो जब आएगा ना तब हम बात करेंगे उसके बारे में. अब उसकी आप मूर्तियाँ देखिए, 10-10 सिटीज में लगी हुई हैं, वे ब्रिलियंट है. लेकिन आज का जो दिन है ना, विच इज़ अबाउट लव सोनिया, सो वी शुड ओनली बी डिस्कसिंग अबाउट लव सोनिया. पहले मैं देखूंगा जब उसे स्क्रीन पर, तब बताऊंगा ना. देखा जाए तो बिग बॉस के बाद उनकी भी किस्मत पलटी है, बड़ा सोनिया. यार वो बहुत हमेशा से ही बहुत बड़ी थी, उनको उनकी किस्मत नहीं पलटी है. वो इंडिया का नंबर वन शो करी थी 7 साल तक. तो आई डोंट थिंक कि लोग बोल रहे हैं कि बिग बॉस के बाद उसकी किस्मत बदली है. नो, आई थिंक शी वॉज ऑलवेज अ वेरी बिग स्टार इन बिग बॉस. शी डिड वेरी वेल एंड नाउ शी इज डूइंग इवन बेटर शोज. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिना. बट आई रियली थिंक दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन राइट नाउ एंड टुडे इज मृणाल एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वी शुड बी टॉकिंग डिस्कसिंग. इसके अलावा सलमान खान बिग बॉस में वापस आ गए. सलमान खान पे पहुंच गए फ्रॉम मृणाल वापस. आई एम रियली होपिंग मृणाल डज अ फिल्म विद सलमान खान ऑल्सो एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द स्क्रीनिंग हैज स्टार्टेड और मैं ये मूवी नहीं मिस कर सकता. आई एम रियली सॉरी बट वी शुड डेफिनेटली टॉक अगेन अबाउट दिस. ओके, ओनली द विजुअल्स, ओनली विजुअल्स. थैंक यू.